हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो फाइनली आपके जेईई मेन पेपर 2 के रिजल्ट्स अवेलेबल हो गए। एडमिशन प्रोसेस पे जो हमारी वीडियो आ रही थी, हमने दो तीन वीडियोस एडमिशन प्रोसेस पे बनाई और जोसा की वेट के लिए, मतलब बेसिकली कहे तो जेईई मेन पेपर 2 के रिजल्ट्स के वेट के लिए हमने जोसा पे कोई वीडियो नहीं डाली। जोसा को हमने थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर लिया। तो आज से आपको रेगुलरली जोसा की जो भी स्ट्रेटजी होती है, कैसे जोसा में आपको पार्ट लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, जोसा की शेड्यूल क्या है, किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कौन से कॉलेज का प्रेफरेंस पहले देना है, कौन से कॉलेज का प्रेफरेंस बाद में देना है, तो धीरे धीरे 5 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड किया है इस पूरे पैटर्न को। 11 तारीख से पहले आपको इस 5ों चीजों पे वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात कि एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन बजा के रखना, क्योंकि आगे जो भी अपडेट्स होगा बीआर के रिगार्डिंग एडमिशन, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो जाए या फिर जोसा काउंसलिंग हो जाए, आपको अपडेट सबसे पहले मिलेगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि मैंने इंडिविजुअली जिस तरीके से नाटा में हर बच्चों से बात करके एक शेड्यूल उन्हें दे करके इंडिविजुअली बात की थी कि आपको किधर किधर काउंसलिंग कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, इस बार जेईई मेन के रिजल्ट्स के बाद भी हमने एक बार फिर से वो पोर्टल ओपन किया है। रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दीजिए इंडिविजुअली काउंसलिंग सपोर्ट जेईई प्लस नाटा के लिए। आज हम बात करेंगे जोसा में और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके 2022 के लिए नेसेसरी रहेगा, ठीक है। 2022 में अगर आप जोसा काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं और किसी एनआईटी एसपीए या फिर गवर्नमेंट सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस में, अगर आपको केंद्र सरकार की जो कॉलेजेस होती है जो कि जोसा में पार्ट लेती है, उसमें अगर एडमिशन लेना है तो आपके पास इतनी डॉक्यूमेंट बनी हुई रहनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे, मेरे खुद के इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कल ही मैंने उनको फटकार तो लगा दिया है अपनी तरफ से कि भैया डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए तो कल को आपकी सीट कोई और लेके चला जाएगा या फिर आपको सीधे आपकी कैटेगरी से हटा करके दूसरी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। तो जो सीट आपको मिलनी चाहिए थी एक्चुअली में अच्छे कॉलेजेस में, वो आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आज से अगर आप बनवाना स्टार्ट करते हो, आज 3rd of September है, तो बेसिकली 10 दिन में सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। तो जो जिन बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स अपना बनवा ले। यहाँ पे देखो सारा कुछ लिखा हुआ, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 2021। देखो एक टाइम आता है जहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाके करनी होती है, जैसे आप जोसा में पार्ट लोगे फिर आपका आपको अगर कोई सीट मिल जाती है, जैसे मेरे को राउंड 2 में सीट मिल गई, तो राउंड 2 में जैसे ही मेरे को सीट मिलती है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। पिछली बार तो ऑनलाइन पोर्टल था, अगर इस बार ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन, लेकिन आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए, ठीक है। नियर बाय, अगर ऑफलाइन होगा तो नियर बाय आपको कोई एनआईटीज वगैरह बता दिया जाएगा, वहां पे जाकर के आपको कराना होगा। अगर कोई अगर ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन पोर्टल पे आपको इन सब चीजों को सबमिट करना पड़ेगा। रेगुलर वो आपका अपडेट देते रहेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ, अगर कोई दिक्कत है तो ये यहाँ पे दिक्कत है, जाकर के इसको आप ठीक कराइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हो गया प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, आपको जो सीट अलॉट होगा उसका एक आप निकलवा के रखना, वो आपको सबमिट करना होगा। जैसे ही मैंने आपको कहा कि राउंड 2 में अगर आपको सीट मिल जाती है तो राउंड 2 की जो वो सीट की जो आपको मिलेगी उसकी आपको एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, वो आपके पास लेटर रहना चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिमिलर टू अपलोडेड, जो आपने अपलोड कर रखा है जेईई मेन के पोर्टल पे, ठीक है, सेम उसी तरीके का पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास 3 होना चाहिए, 3 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। कैंडिडेट अंडरटेकिंग होना चाहिए, ठीक है। प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेशन फीस, ई चलान जो आपने पेमेंट किया है, जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करते हो तो आपके पास एक अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता है, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट अमाउंट है, अगर मैं एससी की बात करूँ तो लगभग पिछले साल 15,000 रुपये थी, अगर मैं जनरल की बात करूँ तो उनको 45,000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। तो ये एक अमाउंट ऑफ मनी है कि हाँ मैं ये सीट एक्सेप्ट करता हूँ और बाद में मैं फ्रीज फ्लॉट, वो सारी चीजें बाद की बात है, वो अगर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे क्या होता है प्रोसेस में, क्या क्या चीजें होती है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो जेईई मेन का स्कोर कार्ड हो गया, जेईई मेन का एडमिट कार्ड हो गया, 10th का डॉक्यूमेंट आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है।
टेंथ के डॉक्यूमेंट से आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया ट्वेल्थ मेरा डोमिसाइल नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना, तो जो ट्वेल्थ का डॉक्यूमेंट होता है ना वही आपका क्या होता है, वही आपका स्टेट वेरीफाई करता है कि बच्चा कौन से स्टेट का है, ठीक है। ट्वेल्थ का डॉक्यूमेंट, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, आपके पास आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जो डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा वो कैटेगरी ही बनवानी पड़ेगी। कौन कौन सी कैटेगरी को बनाना पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। पीडब्ल्यूडी, अगर आपने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी चुन रखी है तो पीडब्ल्यूडी की आपके पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट। बाकी रजिस्ट्रेशन एंड फिल चूज ऑफ सीट अलॉटेड, देखो रजिस्ट्रेशन जो जोसा के टाइम आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस टाइम भी आपको एक डॉक्यूमेंट देगा, तो हर डॉक्यूमेंट को आपको अच्छे तरीके से रखना है। रजिस्ट्रेशन का चॉइस फिलिंग जो आपने की है उसका पूरा आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड होगा, वो भी आपको फॉर सीट अलॉटेड, ठीक है, आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि भैया कौन कौन सी कैटेगरीज को डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, तो जनरल कैटेगरीज के लिए कोई डॉक्यूमेंट नेसेसरी नहीं है उनको, मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट नेसेसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको इन सब डॉक्यूमेंट नेसेसरी नहीं है, उनके कैटेगरी सर्टिफिकेट नेसेसरी नहीं है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपके पास 1 अप्रैल 2022 से बाद का, 1 अप्रैल जो हो चुका है उसके बाद का आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, अपडेटेड। अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो अवेलेबल है जोसा की वेबसाइट पे, जोसा की वेबसाइट पे जाकर के आप वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, जोसा की वेबसाइट पे जाकर के फॉर्मेट निकालिए और उसी फॉर्मेट में आपका जनरल ईडब्ल्यूएस का अपडेटेड बना हुआ रहना चाहिए 1 अप्रैल से पहले का, ठीक है। अगर आप ओबीसी एनसीएल बिलोंग करते हैं तो भी आपके पास अपडेटेड रहना चाहिए 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल से पहले का आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो अंडरटेकिंग विच इज अवेलेबल इन जोसा वेबसाइट, ठीक है, अंडरटेकिंग भी आपको फिल करना है, वो आपके जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्टिफिकेट के ऑप्शंस में आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप जोसा की, मैं खोल के ही दिखा दूंगा आपको कि जोसा की वेबसाइट पे सर्टिफिकेट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे। बाकी फॉर एससी एसटी ओनली सर्टिफिकेट आपके पास नीड चाहिए, आपके पास पुराना भी सर्टिफिकेट रहेगा तो चलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो जोसा के फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं है तो फटाफट जाकर के बनवा लीजिए। बाकी सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा मैं वो भी आपको दिखा दूँ। जैसे ही आप जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर्मेट पे ओपन करोगे यहाँ पे आपको सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिख जाएंगे। देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, जैसे ही हम इस व्यू पे क्लिक करते हैं आपको सारे डिफरेंट कैटेगरीज के, जैसे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो इस तरीके का आपको बनाना है, ठीक है। बाकी अगर एससी एसटी है तो इस फॉर्मेट में अगर आपका बना हुआ है तो आपको अपडेटेड नीड नहीं है, आपको कोई अपडेटेड, बाकी अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई नया डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक बार चेक कर लेना कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इसी फॉर्मेट में है कि नहीं है, ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यूडी बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिफरेंट, मतलब जो फॉर्मेट्स हैं, जो जोसा की फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अवेलेबल रहने चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस भी मैंने बोल दिया, और देखो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इनकम असिस्ट और ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट ये रहना चाहिए, ठीक है, ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट ये रहना चाहिए, ठीक है, और एससी एसटी का सर्टिफिकेट ये फॉर्मेट में रहना चाहिए, तो तीन लोगों के हो गए और पीडब्ल्यूडी का फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो जोसा की वेबसाइट पे आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी अवेलेबल मिल जाएगा, तो फटाफट आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। और कल जो हमारी वीडियो रहेगी वो वीडियो रहेगी जोसा की शेड्यूल के बारे में, जोसा किस तरीके से काउंसलिंग लेता है, क्या स्टेप है, क्या फॉर्मेट है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम सीट को एक्सेप्ट करेंगे, अगर हमें एक्सेप्ट और आगे की तरफ जाना है तो हम कैसे फ्लॉट करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा जिससे कि जोसा की काउंसलिंग में आपका कोई दिक्कत ना हो, ठीक है।